भारतीय नौसेना परमाणु शक्ति रखने वाली सबमरीन और विमान वाहक जहाजों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और इसी के लिए राष्ट्रीय खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा लगाया जा रहा है। युद्ध पंडितों का कहना है कि आने वाले दिनों में वही विजेता रहेगा जो पानी में अपनी शक्ति रखता होगा। मतलब ये कि आइंदा युद्ध का निर्णय पानी में हुआ करेगा और जो ताकतवर होगा वो बाजीगर कहलाएगा। इस मिशन को लेकर के भारतीय नौसेना भी चल रही है और मुकाबले के लिए इसके सामने चीन और पाकिस्तान है, पर वो तो शायद अभी बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता, खासकर तमिल स्टेट के लोग इस बात पर चिंतित हैं कि भारतीय नौसेना अमेरिका, चाइना या पाकिस्तान से क्या मुकाबला करेगी। इतना सब रुपया खर्च करके नौसेना के जवानों और अफसरों के लिए मैस और यूनिट बनाए गए, इनकी प्रशिक्षण के लिए इदारे बनाए गए, छोटी नाव से लेकर के विमान बाइक जहाज खरीदे गए और ऐसे ही बहुत सा रुपया इस कारण लगाया गया कि भारतीय नौसेना खुले समंदर में अपनी धाक बिठाएगी और दुश्मन की मैली नजर को नोच कर फेंक देगी। पर ये क्या हुआ, सीमा की रक्षा तो दूर की बात, यहाँ तो अपने ही देश के मछुआरे सुरक्षित नहीं। जी हाँ, दूसरे देश की नौसेना ने खोले फायर और घायल कर दिए भारत देश के मछुआरे। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे इस देश में गरीब की कोई औकात नहीं है। जिसका जी चाह ठोक कर चले गया, गरीब का खून कर दे, कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी सीमा रक्षा किस काम की जब दूसरे देश की नौसेना हमारे मछुआरों को घायल कर दे। छोटे से देश की छोटी सी नौसेना को जब इतनी बड़ी भारतीय नौसेना से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, तो चाइना और पाकिस्तान तो मानो के बहुत ही दूर की बात है। माने रे, सच में अगर मैं कहूँ तो क्या डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डर तो भारतवासी रहे ऐसी शक्ति से जो अपने काम ही ना आ सके। मोदी सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े अंदाज में इस दुर्घटना की जांच करवाए